दोस्तों, जिस देश ने विश्व इतिहास के दो सबसे बड़े विश्व युद्धों का नेतृत्व किया हो, उस जर्मनी का इतिहास काफी पुराना है और रोमन एम्पायर से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज हम जर्मनी के एकीकरण से जर्मनी के इतिहास की शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो में। और उससे पहले के इतिहास के बारे में हम तब बात करेंगे जब हम रोमन एम्पायर के बारे में बात करेंगे। और हाँ, जब तक हम जर्मन एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आपको वर्ल्ड वॉर वन में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। और रही बात कोल्ड वॉर पर वीडियो बनाने की, तो बहुत वीडियो अवेलेबल हैं यार यूट्यूब पर, देखिए समझिए। अगर नहीं मज़ा आए तो फिर तो हम जिंदा हैं ही। दोस्तों, वैसे तो अलेक्जेंडर और चंगेज खान को विश्व विजेता कहा जाता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि असल मायने में नेपोलियन बोनापार्ट ही विश्व विजेता था। उसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि जो प्रभाव नेपोलियन बोनापार्ट का यूरोप पर था, उतना इनका नहीं था। वो नेपोलियन ही था जिसने स्पेन से लेकर सारे यूरोप में एक देशभक्ति की भावना को जागृत किया था। और दूसरा कारण यह था कि नेपोलियन था तो 19वीं शताब्दी का शासक, लेकिन उसकी सोच समय से काफी आगे थी। उसे ऐसे ही विश्व इतिहास का सबसे बड़ा वॉर जनरल नहीं माना जाता, क्योंकि उसने अपनी रणनीति के तहत बड़े बड़े साम्राज्य को कमजोर किया और छोटे छोटे साम्राज्य जो टुकड़ों में बटे हुए थे उन्हें मजबूत किया और उनमें देशभक्ति की भावना जगाई। विशेष तौर पर जब जर्मनी छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में बटा था और प्रशियन साम्राज्य का राज्य था, उस समय जर्मनी के कई दक्षिणी पूर्वी हिस्सों पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था तो उत्तरी हिस्सों पर डेनमार्क का कब्जा था तो पश्चिमी हिस्सों पर फ्रांस का था। कब्जे से मेरा मतलब यह है कि ये देश जर्मनी के अलग अलग और छोटे छोटे राज्यों को कंट्रोल करते थे। शुरुआत में जब 26 दिसंबर 1805 को नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराया, तब ऑस्ट्रिया से प्रेस्वर्क ट्रीटी साइन की, जिसके अनुसार रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया गया और ऑस्ट्रिया के प्रभाव को भी कम कर दिया गया और इन छोटे छोटे जर्मनी के राज्यों को मजबूत करना शुरू कर दिया, ताकि ये भविष्य में प्रशिया व ऑस्ट्रिया जैसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ ताकतवर बन सके। इसी के तहत नेपोलियन ने 1806 में राइन राज्य संघ की स्थापना की। और अगर आप मेरे वीडियो पहले से देख रहे हो तो आपको राइन के बारे में पता ही होगा, ये क्या है और कहाँ है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। जिसके बाद जब नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई के दौरान हरा 1815 में, तब ऑस्ट्रिया के वियना में सभी यूरोपीय देशों के डिप्लोमेट ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री श्रीमान क्लेमेंस वॉन मेटरनिक जी महाराज भी इस सभा में शामिल थे और वो इस सम्मेलन में बहुत ही प्रभावशील व्यक्ति थे। इस वियना समझौते में यह तय किया गया कि राइन राज्य संघ को समाप्त कर दिया जाए जो कि नेपोलियन ने बनाया था। और हमारे मेटरनिक जी महाराज ने यह बीड़ा उठाया कि नेपोलियन ने जो भी काम किए हैं उसे पूरी तरह से खत्म करना। हालांकि इस सम्मेलन से जर्मनी के आम लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, उन्हें लगा कि उन्हें यूनिफाइड कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बाकी सभी यूरोपीय देशों को लगा कि जर्मनी की एकता से उन्हें आगे खतरा हो सकता है। और प्रशिया का भी यही मानना था। इस सम्मेलन के बाद ना तो किसी छोटे या बड़े राज्य के राजा को जर्मन सम्राट की मान्यता मिली और ना ही वहाँ की आम जनता को जर्मन नागरिक की मान्यता, और जर्मनी को अलग अलग 38 राज्यों में फिर से बांट दिया गया। हालांकि इन राज्यों ने नेपोलियन के खिलाफ युद्ध में यूरोपीय देशों का साथ दिया था, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिला। उल्टा उन पर नियंत्रण करने के लिए एक फेडरल डाइट की स्थापना कर दी गई, जिसमें सभी बाकी यूरोपीय देश शामिल थे और ऑस्ट्रिया इस संघ का अध्यक्ष बना, जिसे जर्मन लोग शुरू से ही अपना दुश्मन मानते थे। परिणाम यह हुआ कि जर्मन लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। शुरुआत में जर्मन लोग अपने अराज्य के लिए अलग अलग संविधान की मांग कर रहे थे, इसलिए इन आंदोलन की शुरुआत में जर्मन विश्वविद्यालयों ने प्रमुख भूमिका निभाई और वहाँ के अफसरों और विद्यार्थियों ने गुप्त तरीके से ऑस्ट्रिया के खिलाफ नफरत फैलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ने लगे। जब इनकी मेटरनिक जी महाराज के पास पहुंची तो उन्होंने इसे दबाने में देर भी नहीं की, क्योंकि उस समय उनका साथ प्रशा के महाराज फ्रेडरिक थर्ड भी दे रहे थे। ये दोनों ही शुरू से ही गुरु भाई थे सोच में। उनका मानना था कि ये विद्रोह उन दोनों को ही नुकसान देंगे। वैसे भी कहावत है कि दूध का जला हुआ दही को भी फूक मार मार कर पीता है, क्योंकि फ्रांस में जो हुआ वो सबको पता था कि कैसे फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ और वहाँ के राजा और रानी ही गायब हो गए। इसलिए तुरंत ही फैसला लेते हुए मेटरनिक ने 1819 में कार्लसवाद में जर्मन संघीय संसद की बैठक बुलाई और इस बैठक में इन आंदोलनकारियों के खिलाफ सारे कानून पारित किए गए। इसे कार्लसवाद अध्यादेश भी कहा जाता है, जिसके कारण ये आंदोलन फेल हो गए और मेटरनिक की ताकत और बढ़ गई, जिसके बाद अगले 10 से 12 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन 1830 में फ्रांस में एक और क्रांति सफल हो गई, जब चार्ल्स टेंथ को फ्रांस की राजगद्दी से हटा दिया गया तो यह क्रांति की आँख जर्मन राज्यों तक पहुंची
और एक बार फिर से जर्मन लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागी। लेकिन अब तक मेटरनिक और भी ताकतवर बन चुका था। उसने कार्लसवास अध्यादेश में और कई कठोर नियम लागू कर दिए और जर्मन राज्यों पर लागू कर दिए। लेकिन अब की बार ये विद्रोह पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाए, क्योंकि देशभक्ति की भावना जहां एक बार जाग जाती है तो उससे ताकतवर कुछ नहीं होता। इन सभी जर्मन छोटे बड़े राज्यों में एकता तो पहले से ही बढ़ती जा रही थी व्यापार के माध्यम से, क्योंकि 28 मई 1818 में प्रशा ने व्यापार के लिए कानून बनाया था जिसे जोलोवरीन भी कहा जाता है, जिसमें शुरुआत में तो 12 राज्य ही शामिल थे, लेकिन 1834 आते आते काफी राज्य इस कानून से जुड़ चुके थे और इन सभी राज्यों की भाषा संस्कृति सब एक थी, इसलिए इनकी एकता मजबूत होना शुरू हो चुकी थी। इसके बाद समय आया 1848 का, जब फ्रांस में एक बार फिर से एक बड़ी क्रांति हुई और असल मायनों में यही वो क्रांति थी जिसने फ्रांस में काफी सुधार किए। दरअसल यह क्रांति समाजवाद यानी कि सोशलिज्म से जुड़ी हुई थी, जिसके कारण फ्रांस के राजा को फ्रांस की सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इस क्रांति की आग ऑस्ट्रिया तक पहुंची, जिससे ऑस्ट्रिया के राजा का सिंहासन तक हिल गया। और ऑस्ट्रिया में हुई इस क्रांति का प्रमुख टारगेट मेटरनिक मावा थे, क्योंकि उनकी दमनकारी नीतियों से ऑस्ट्रिया के नागरिक भी परेशान थे। नतीजा यह हुआ कि एक रात आंदोलनकारियों ने मेटरनिक के घर को चारों ओर से घेर लिया। मेटरनिक जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन वो इससे इतने नाराज हुए कि इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड भाग गए। हालांकि बाद में इस क्रांति में आपसी मतभेद हो गए, जिसके कारण यह क्रांति सफल नहीं हो पाई तथा ऑस्ट्रिया के शासक ने मौका देखते हुए इस क्रांति को दबा दिया और ऑस्ट्रिया में फिर से राजशाही शासन शुरू हो गया। लेकिन जर्मनी के एकीकरण में हमेशा से बाधा बनने वाला रास्ते का कांटा मेटरनिक हमेशा के लिए हट गया। वहीं जर्मनी में भी लोगों ने अपने शासक के खिलाफ भयंकर आंदोलन किए, जिसमें 13 मार्च 1848 को प्रशा की राजधानी बर्लिन में हुआ आंदोलन प्रमुख था, जिसके कारण प्रशा का राजा डर गया और उसने वादा किया कि वो जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व करेगा। जिसके बाद जर्मनी के नेताओं ने एक संसद का गठन किया, जिसमें चुनाव भी हुए तथा इसके सदस्यों की संख्या 600 थी और जर्मन संघ के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। लेकिन ऑस्ट्रिया से अपनी दुश्मनी के कारण ऑस्ट्रिया को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। साथ ही प्रशिया के राजा को संघ का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन ऑस्ट्रिया से बढ़ती दुश्मनी के कारण यह राजा यानी विलियम IV डर गया और उसने जर्मनी के सम्राट के पद से मना कर दिया। साथ ही साथ अपनी सेना की मदद से इन क्रांतिकारियों का दमन भी कर दिया, जिसके कारण जर्मनी के एकीकरण की यह योजना फेल हो गई इस डरपोक सम्राट के कारण। लेकिन बाद में ऊपर वाले ने जर्मन लोगों की सुनी और 1861 में विलियम IV की मौत के बाद उसका भाई विलियम I प्रशा का नया सम्राट बना और अब यहां से जर्मनी का भविष्य तय होने वाला था, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण इतना आसान नहीं था, क्योंकि जर्मनी को एकजुट बनाने के लिए उसे अपने हर एक पड़ोसी से युद्ध लड़ना था और सारे के सारे पड़ोसी साम्राज्य बहुत बड़ी ताकत थे, जिनमें ऑस्ट्रिया, फ्रांस व डेनमार्क भी शामिल था, जिनके पास जर्मनी के कई क्षेत्र पर कब्जे थे। साथ ही साथ रशियन एम्पायर भी था, लेकिन यह नया राजा डरपोक नहीं था। किसी भी तरह से वो जर्मनी को एक साम्राज्य बनाना चाहता था और जनता को ऐसा ही राजा चाहिए था। शुरुआत में विलियम को पता था कि उसे बहुत बड़ी सेना चाहिए जर्मनी के एकीकरण के लिए, लेकिन उस समय क्रांति के कारण काफ़ी सुधार हो चुके थे और अब प्रशा में पूर्ण मोनार्की तो थी नहीं, इसलिए इस कार्य के लिए उसे ज़्यादा धन की आवश्यकता थी। इसलिए उसने प्रतिनिधि सभा यानी चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज से इसके लिए इजाज़त मांगी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण संवैधानिक तरीके से हो, जबकि राजा को पता था कि यह असंभव है, बिना ताकत या सेना के ये नहीं हो सकता। बाद में इनके बीच काफी विरोध भी हुआ, इसलिए राजा ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रशा का चांसलर बना दिया जिसकी सोच राजा से मिलती थी, लेकिन उस व्यक्ति की राजनीतिक मामलों में खोपड़ी बहुत तेज थी। मैं बात कर रहा हूँ एडमंड लियोपोल्ड बिस्मार्क के बारे में, जिन्हें ऑटो वॉन बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है, और ये उस समय फ्रांस में प्रशा के एक राजदूत के तौर पर कार्यरत थे। जब राजा को उनकी कुशलता के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत उन्हें वापस प्रशा बुला लिया और प्रशा का नया चांसलर भी बना दिया। और इनका दिमाग कितना तेज था राजनीति में वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। साथ ही अब चांसलर, राजा और जनता सभी जर्मनी का एकीकरण चाहते थे और राजा और बिस्मार्क तो थे ही गुरु भाई सोच में, इसलिए बिस्मार्क ने शुरू में अपनी सेना को संगठित और मजबूत बनाना शुरू कर दिया और अब वो इंतजार करने लगा सही समय का। इस दौरान उसने सभी साम्राज्यों से अच्छे संबंध भी बनाए,
लेकिन इसी दौरान डेनमार्क ने वो कांड कर दिया जिसका इंतजार बिस्मार्क काफी समय से कर रहा था। दरअसल स्लेज़विंग और होल्स्टाइन ये दो ऐसे क्षेत्र थे जो डेनमार्क के नियंत्रण में थे, जिनमें होल्स्टाइन की सारी आबादी जर्मन थी तो स्लेज़विंग में मिली जुली आबादी थी, यानी जर्मन्स भी थे और डेन भी थे। इसलिए क्रिश्चियन 9th जो कि डेनमार्क का राजा था, वो चाहकर भी इन क्षेत्रों पर कब्जा नहीं कर सकता था। लेकिन 1863 में इस महाराज ने कुछ ऐसा ही करने की सोची, जिसके कारण इन क्षेत्रों की जनता में आक्रोश पैदा हो गया। और बिस्मार्क बाबा तो थे ही इसी इंतजार में कि कब डेनमार्क फुलटास दे और मैं छक्का मारूं। जिसके बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को कन्विंस करा लिया कि यार देखो डेनमार्क ये क्या कर रहा है, और ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि साइन भी कर ली, और यह वादा भी किया कि जीत के बाद जीते हुए क्षेत्रों को वो आपस में बांट लेंगे। अब रास्ता साफ था, क्योंकि इससे पहले जब पोलैंड में रशियन एम्पायर के खिलाफ विद्रोह हुआ था तो उसे दबाने में बिस्मार्क ने रशिया का साथ दिया था, सिर्फ और सिर्फ रशिया की दोस्ती के लिए, और ऐसा हुआ भी। जिसके बाद ऑस्ट्रिया और प्रशिया ने मिलकर डेनमार्क के राजा को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया कि अपना निर्णय वापिस लो, नहीं तो हम आप पर हमला करेंगे। इस अल्टीमेटम में भी बिस्मार्क ने अपना दिमाग बखूबी चलाया था, क्योंकि उसे पता था कि चेतावनी को राजा मानेगा नहीं, आखिर उसकी इज्जत का सवाल है भाई, जनता को वो क्या मुंह दिखाएगा पीछे हटकर। इसी का ही परिणाम था कि डेनमार्क फंस गया और उसे युद्ध लड़ना पड़ा और उसे हार भी मिली, जिसके बाद इन क्षेत्रों पर प्रशा का अधिकार हो गया। हालांकि बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया के बीच बाद में मतभेद पैदा हो गए जीते गए क्षेत्रों को लेकर, जिसके बाद बिस्मार्क ने गेस्टिन की संधि की, जिसके अनुसार होल्स्टाइन के क्षेत्र ऑस्ट्रिया को दे दिए गए। लेकिन बाद में यह क्षेत्र ऑस्ट्रिया के लिए ही गले की हड्डी बन गया, क्योंकि यह क्षेत्र प्रशिया से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र को अब ऑस्ट्रिया ना तो ले सकता था और ना ही दे सकता था। वहीं दूसरी ओर बिस्मार्क को भी अच्छे से पता था कि बिना ऑस्ट्रिया को हराए जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, क्योंकि जर्मनी के कुछ हिस्सों पर ऑस्ट्रिया का भी नियंत्रण था। इसलिए अब बिस्मार्क युद्ध की तैयारियों में जुड़ गया, लेकिन ऑस्ट्रिया जैसे बड़े एम्पायर को हराना इतना आसान नहीं था। इसलिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की कमजोरियों पर ध्यान दिया, जिनमें प्रमुख थी ऑस्ट्रिया और इटली के देशभक्त क्रांतिकारियों की दुश्मनी, क्योंकि इटली भी उस समय कई राज्यों में बटा हुआ था और इटली के ही बेनेशिया क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। इसलिए बिस्मार्क ने पिडमोंट और सार्डिनिया जैसे राज्यों से संधि की और उसने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए उन्हें उकसाया भी। अब रशिया तो प्रशिया का ठीक ठाक दोस्त बन चुका था, उसने रशिया से उम्मीद की थी कि वो होने वाले ऑस्ट्रिया प्रशिया युद्ध में उंगली ना करे, जिसके लिए रशिया मान भी गया। अब बचा था फ्रांस, जिस पर नेपोलियन 3rd का शासन था। ये बस नाम का ही नेपोलियन था, काम का नहीं, इसलिए बिस्मार्क ने इसे बड़ी ही आसानी से मामू बना दिया। बिस्मार्क ने नेपोलियन 3rd के सामने पश्चिमी जर्मनी के कुछ क्षेत्र ऑफर किए, बस यही मांग रखी कि वो ऑस्ट्रिया प्रशिया युद्ध में उंगली ना करे। इसके लिए फ्रांस मान भी गया, लेकिन नेपोलियन 3rd का प्लान कुछ अलग था। उसने सोचा था कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया दोनों ही युद्ध में कमजोर हो जाएंगे, उसका फायदा फ्रांस को मिलेगा अपनी सीमाएं बढ़ाने में। लेकिन ये मामू यह नहीं जानता था कि ऑस्ट्रिया के बाद उसी की बारी। जिसके बाद जून 1866 में ऑस्ट्रिया प्रशिया के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया को दो तरफा लड़ाई झेलनी पड़ी। साथ ही बिस्मार्क की रणनीति के कारण किसी भी यूरोपीय देश ने ऑस्ट्रिया की मदद नहीं की। परिणाम यह हुआ कि सिर्फ 7 हफ्तों में ही प्रशिया और पिडमोंट सार्डिनिया की सेनाओं ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इसलिए इस युद्ध को 7 हफ्तों का युद्ध भी कहा जाता है। जिसके बाद 3 जुलाई 1866 को ऑस्ट्रिया की हार हुई। युद्ध के बाद दोनों ही देशों ने ट्रीटी ऑफ प्रेग साइन की, जिसके तहत जर्मनी के पुराने संघ को समाप्त कर दिया गया और प्रशिया के नेतृत्व में नए संघ की स्थापना की गई। प्रशिया का राजा इसका अध्यक्ष बना, साथ ही साथ ऑस्ट्रिया के अधीन 21 राज्यों को भी मुक्त करा लिया गया और बेनेशिया के प्रदेश को इटली को वापस दे दिए गए। लेकिन युद्ध के बाद नेपोलियन 3rd को समझ आ गया था कि बिस्मार्क ने उन्हें मामू बनाया है। फ्रांस के अलावा सभी बाकी यूरोपीय देशों को भी समझ आ गया कि बिस्मार्क क्या चाहता है। बिस्मार्क ने फ्रांस को किसी कोई भी क्षेत्र देने से मना कर दिया। अब वो अकेला ही बचा था, जिसके कब्जे में कुछ जर्मन राज्य अभी भी बाकी थे। तो वहीं फ्रांस के लोग अपने ही राजा के खिलाफ हो गए और दबाव बनाने लग गए कि प्रशिया से बदला लो और उस पर हमला करो। और अब नेपोलियन के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, उसे युद्ध करना ही था। और अब बिस्मार्क भी यही चाहता था, वो अब तरीका ढूंढने लग गया कि इस युद्ध रूपी बारूद को बस एक चिंगारी मिल जाए, ताकि फ्रांस पहले प्रशिया पर हमला करे, और वो उसे जल्द मिल भी गई। जिसके बाद 15 जुलाई 1870 को फ्रांस ने खुद ही प्रशिया पर युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन अपने कमजोर नेतृत्व के कारण नेपोलियन की सेना प्रशिया से हार गई।
तथा 11 सितंबर 1870 को फ्रांस ने प्रशिया के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तथा 10 मई 1870 को फ्रांस व प्रशिया के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि भी साइन की गई, जिसके तहत अल्पास और रालेन के क्षेत्रों पर फ्रांस को अपने अधिकार खोने पड़े। साथ ही 500 करोड़ यूरो फ्रांस को प्रशिया को देने थे अगले 3 सालों के अंदर, जिसके बाद बचे हुए जर्मन राज्य भी अब फ्रांस से आजाद हो गए तथा इन राज्यों को जर्मन संघ में सम्मिलित कर लिया गया तथा जर्मनी के लिए एक नए संघीय संविधान की संरचना की गई तथा प्रशिया के सम्राट विलियम फर्स्ट को नए जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया तथा 18 फरवरी 1871 को उनकी ताजपोशी भी की गई। और 1871 से लेकर 1890 तक जर्मनी में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे एज ऑफ बिस्मार्क भी कहा जाता है, यानी बिस्मार्क का युग। और इसी युग में बिस्मार्क ने जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। खैर, बिस्मार्क का युग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अगर आप कहोगे तो अलग वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर शॉर्टकट में बात करें तो इस युग में बिस्मार्क को काफ़ी विरोधों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें उसे पॉप से लेकर कम्युनिज्म वाली विचारधारा का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय चर्च के पास भी कुछ पावर था जिससे रोमन कैथोलिक जनता जुड़ी हुई थी। साथ ही यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद से मजदूरों का दमन भी शुरू हो चुका था। इसी का फायदा उठाते हुए यूरोप में कम्युनिज्म अपने पैर पसार चुका था। बिस्मार्क कम्युनिज्म का कट्टर विरोधी था, इसलिए उसने कई बार इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन वो जितना भी इसे दबाता कम्युनिज्म उतना ही बढ़ता जाता। इसलिए बिस्मार्क ने मजदूरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए श्रम कानून में काफ़ी बदलाव भी किए, लेकिन फिर भी कम्युनिज्म बढ़ता ही रहा। जर्मनी में कम्युनिज्म का पूरी तरह से अंत हिटलर ने ही किया था। साथ ही साथ बिस्मार्क की विदेश नीति बहुत ही ताकतवर थी। जब तक बिस्मार्क सत्ता में रहा तब तक किसी भी देश ने जर्मनी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा था, जबकि फ्रांस का जो अपमान बिस्मार्क ने किया था वो बहुत ही बुरा था। इसलिए फ्रांस और फ्रांस की जनता समय समय तक मौका तलाशते रहे ताकि बदला लें, लेकिन जब तक बिस्मार्क रहा तब तक वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि बिस्मार्क की विदेश नीति बहुत जटिल थी, वो खुद ही इसे समझ सकता था। उदाहरण के लिए उसने रशिया, ऑस्ट्रिया, इटली तीनों से अलग अलग संधियां स्थापित की थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया और रशिया के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी, साथ ही इटली और ऑस्ट्रिया की भी आपस में नहीं बनती थी। रही बात फ्रांस की, तो जब तक बिस्मार्क सत्ता में रहा तब तक फ्रांस किसी भी बड़े साम्राज्य से दोस्ती नहीं स्थापित कर सका। फ्रांस हमेशा अलग थलग ही रहा, क्योंकि बिस्मार्क को पता था कि जो अपमान उसने फ्रांस का किया है वो फ्रांस कभी भी भूलने वाला नहीं है, और फ्रांस हमेशा उसके साथ एक दुश्मन ही रहेगा। वो ट्रिपल अलायंस यानी कि त्रिकोणीय संधि पर ज्यादा भरोसा रखता था। उसका मानना था कि यूरोप में 5 शक्तियां ही हैं, जर्मनी, इटली, रूस, फ्रांस व ऑस्ट्रिया। वो इंग्लैंड को भी एक शक्ति मानता था, लेकिन वो इंग्लैंड को यूरोप की राजनीति से अलग ही रखना चाहता था। इसलिए उसने कभी भी इंग्लैंड के खिलाफ अपनी नेवी को शक्तिशाली नहीं बनाया, और ना ही उसने यूरोप के बाहर कभी भी कोई भी अपनी कॉलोनी स्थापित करने के बारे में सोचा। वो इंग्लैंड को समुद्र की ताकत मानता था तो जर्मनी को यूरोप की ताकत मानता था, इसलिए इनके बीच कभी भी कोई टकराव नहीं हुआ। अपने ट्रिपल अलायंस के तहत वो मानता था कि यूरोप में 5 महाशक्तियां हैं, इसलिए कम से कम 3 महाशक्तियों को एक अलग अलायंस बनाने की जरूरत है, ताकि 2 बचे हुए देश कभी भी युद्ध के बारे में सोचे नहीं। इसके तहत उसने शुरुआत में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और रशिया के साथ पहला ट्रिपल अलायंस भी बनाया 1873 में, लेकिन ऑस्ट्रिया के साथ अपने खराब संबंधों के कारण बाद में रशिया इससे बाहर हो गया, जिसके बाद इटली को इसमें शामिल किया गया। लेकिन बिस्मार्क किसी पर भी भरोसा नहीं करता था, इसलिए उसने रशिया के साथ एक अलग गुप्त संधि स्थापित की थी ऑस्ट्रिया के खिलाफ, तो वहीं इटली के साथ एक अलग गुप्त संधि स्थापित की थी रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, तो वहीं ऑस्ट्रिया के साथ एक अलग गुप्त संधि स्थापित की थी इटली के खिलाफ। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि बिस्मार्क की विदेश नीति बहुत ही कठिन थी, क्योंकि जब उसकी मौत हुई तो उसकी मौत के बाद आने वाले नए डिप्लोमेट उसकी संधियों को समझ ही नहीं पाए, जिसके बाद 1888 में सम्राट विलियम की मृत्यु के बाद बिस्मार्क के युग का अंत भी शुरू हो चुका था, क्योंकि इसी साल अगले सम्राट फ्रेडरिक की भी मृत्यु हो गई और विलियम सेकंड जर्मनी का नया सम्राट बना, जिसे कई इतिहासकार जर्मनी का सबसे मूर्ख राजा भी मानते हैं, क्योंकि यह नया राजा बड़ा ही जोशीला और गुस्से वाला था। साथ ही वह यह भी सोच रखता था कि एक देश के लिए एक राजा ही सब कुछ है, और राजा के सामने चांसलर की कोई ताकत नहीं है। हालांकि 2 सालों तक यानी कि 1890 तक बिस्मार्क और इस नए राजा के बीच विरोध चलते रहे,
लेकिन अब बिस्मार्क बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसने 20 मार्च 1890 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद विलियम के सत्ता में आने के बाद से वो सब कुछ हुआ जो बिस्मार्क नहीं चाहता था और जो फ्रांस चाहता था। शुरुआत में विलियम केसर ने कोलोनाइजेशन की नीति को फॉलो किया और अपनी नेवी को मजबूत बनाना शुरू किया, जिसके कारण ब्रिटिश बुरा मान गए। तो वहीं विलियम ने ऑस्ट्रिया के साथ हद से ज़्यादा दोस्ती कर ली, परिणाम ये हुआ कि रशिया बुरा मान गया और रशिया ने 1894 में फ्रांस के साथ संधि कर ली। वो फ्रांस जो पिछले 20 से लेकर 25 सालों तक अकेला पड़ा हुआ था, उसने भी अब अपनी ताकत को मजबूत करना शुरू कर दिया। वहीं इटली शुरू से ही ब्रिटेन का प्रेमी देश था, इसलिए जब जर्मनी की दूरियां ब्रिटेन से बढ़ी तो जाहिर सी बात है इटली ने भी ऐसा ही किया, वो भी अब जर्मनी से दूर होता गया। जो शांति की कोशिश बिस्मार्क ने की थी यूरोप में, अब विलियम उस पर पानी फेरते जा रहा था। इसलिए कई इतिहासकार का मानना है कि विलियम भी प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण था, क्योंकि जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या की गई तो अपनी अंधी दोस्ती के कारण जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा रहा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। आज 11 अक्टूबर है, सुबह के 4 बजे हैं, अब जाकर सोऊंगा, इसलिए दोस्तों मेरी मेहनत को समझिए और इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।